हमें ये पेन बनाने के लिए हमें एक पेन की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी, और कच्चे तार की मतलब मुड़ने वाले तार की, और एक दफ्ती की, और एक कलर पेपर की, और एक कैंची की। कैंची से तो सब में ज़रूरत पड़ती है गाइस। हमें इस पेपर में ग्लू लगाना पड़ेगा, इस तरह साइड में ग्लू लगा के उसके ऊपर पेन रखेंगे, पेन को चिपकाएंगे कागज़ में और फिर उसको रोल कर देंगे, फिर लास्ट में भी ग्लू लगा के इसको चिपका देंगे सही से। कैप के लिए हम दफ्ती का कोना काट लेंगे सही से कैप बनाने के लिए। ये हमने दफ्ती पे कलर पेपर चढ़ा लिया है इस तरह से, और फिर इसको घुमा देंगे गोल से कैप बनाने के लिए। रोल करके हमें ग्लू से इस तरह चिपका लेना होगा, इस तरह हमने बना लिया। अब इसको धूप में सूखने के लिए रख दे रहे हैं कुछ देर के लिए। जब तक वो सूख रहा है तब तक हमें उसके ऊपर का रिंग बनाने के लिए एक जो पतला रॉयल लिए थे उसका हम जुगाड़ करके एक बना रहे डिजाइन वाला, एकदम सेम एज इट इज इस तरह। ये हमारा देसी जंजीर बन गया है और इसको अब लगाने की ज़रूरत है। ये जंजीर बहुत मेहनत से बनी है भाई, कसम से। हमने इस ढक्कन इसके ऊपर ढक्कन लगाने के लिए हमने ये बनाया है, जो कि कितना अच्छा लग रहा है, ये जैसे कि टोपी लग रहा है। ये इसमें चिपकाने के लिए हमें इसको काटना पड़ा, क्योंकि इस तरह लगता है लगेगा, और तब फिर इसके किनारे किनारे पे चिपकाना पड़ेगा ना, इस वजह से इसको हमें काटना पड़ा। आप भी काट लीजिएगा, और फिर ऐसे चिपकाना पड़ेगा आपको ग्लू लगा के एकदम सेम सेम एज इट इज। हमने इसमें चिपका लिया है और ये ढक्कन बन गया। अब इसके ऊपर इस तरह बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ और बनाएंगे। इस तरह बनाने के लिए सजाने के लिए हमने ये बना लिया है ढक्कन के ऊपर सजाने के लिए, कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम मस्त। गाइस हमारा बन गया सजावटी पेन, कितना अच्छा लग रहा है। और आपको सजाना होगा तो ढक्कन पे सजा लीजिएगा, तो एकदम सेम इस तरह पेन के सजाया हुआ है मैंने। दो पेन बन गए। और मेरी बहन कह रही थी कि लड़कियां ज़्यादा ये देखती हैं वीडियो, अगर लड़कियां देखें तो सब्सक्राइब करें, और लड़के देख रहे हैं तो लाइक करें।